दिस इज अ वेरी बेसिक वेरी सिंपल सर्किट, ये बहुत ही एक बेसिक सा सिंपल सा सर्किट है। और इस केस पे क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है तो हम सिंपली डायरेक्शन करंट की कुछ भी मान ले, क्लॉकवाइज मान ले, एंटी क्लॉकवाइज मान ले। ऑल्दो कॉमन सेंस सेज दैट जो बड़ी वाली बैटरी है, ज्यादा ईएमएफ वाली बैटरी है, वही डोमिनेट करेगी, उसी के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए। तो मैं ये ले लेता हूं डायरेक्शन, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी टू जज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनिशियली व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम सॉल्व करने के पहले करंट की डायरेक्शन को जज करें, ठीक है। इनफैक्ट अगर एकदम से देखते से नहीं समझ में आता है तो उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, कुछ भी करंट की डायरेक्शन मान लें, ठीक है, जो मर्जी आए मान लें, ठीक है, जिस डायरेक्शन में मानना है मान लें, गलत नहीं आएगा, आंसर अपने आप सही आएगा, ठीक है। तो सिंपल केस यहां तो बहुत सिंपल है, हम कहीं से भी शुरू करें चलना। सपोज मैं अगेन यहां से शुरू करता हूं चलना एंड आई गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हूं। अगेन मैं ऐसे कर रहा हूं, सबको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, जैसे सॉल्व करना है करें, ठीक है। क्लॉकवाइज जाना है क्लॉकवाइज, कहीं से भी स्टार्ट करना है कहीं से भी करें, हम चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएगा ये प्लस 10, फिर आएगा माइनस 5i, ठीक है। मैं v1 v2 लिखने के बजाय डायरेक्टली ओम्स लॉ लगाकर v इक्वल टू ir लगाकर 5i लिख देता हूं। फिर हम बैटरी के प्लस से माइनस जाएंगे तो हम माइनस 5 लिखेंगे। फिर हम चलेंगे इस रेजिस्टर पर फिर से करंट की डायरेक्शन में तो माइनस 10i इक्वल टू 0, प्लस 10 माइनस 5i माइनस 5 माइनस 10i इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 5 माइनस 15i इक्वल 0, I इज इक्वल टू 1/3 एम्पियर, करंट जो है वो 1/3 एम्पियर आ जाएगा। दूसरा वाला केस जो हम बोल रहे हैं, किसी भी एक बैटरी की पोलैरिटी अगर रिवर्स कर दी जाए तो क्या होगा, ऐसा केस, ठीक है। पोलैरिटी अगर हम रिवर्स कर देंगे तो अब ये बैटरी भी ऐसे ही करंट फ्लो करवाना चाहती है, ये भी ऐसे ही करंट फ्लो करवाना चाहती है, ठीक है। हम कुछ इस तरह का टर्म बोल सकते हैं, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। यहां पर जो पहले वाला केस था उसमें बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही थी, अब यहां बैटरीज एक तरह से मिलकर काम करेंगे, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 5i प्लस 5 माइनस 10i इक्वल 0, 15 माइनस 15i इक्वल 0, i इक्वल टू 1 एम्पियर, करंट जो है वो 1 एम्पियर आ जाएगा। करंट की वैल्यू में बी वाले केस में 1 एम्पियर मिल जाएगी। नाउ अगेन दिस इज अ सिंपल सर्किट, एक बहुत सिंपल सर्किट है, इसमें KCL तो लगा ही नहीं है, KCL इसमें लगा ही नहीं है। सिंगल लूप सर्किट सॉल्व करना इसीलिए हमेशा सबसे आसान रहता है, सॉल्विंग अ सिंगल लूप सर्किट इज ऑलवेज वेरी इजी, बहुत सिंपल होगा। जैसे ही वहां मल्टीपल लूप्स बनने लगेंगे, एक नेटवर्क बनने लगेगा, तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं, प्रोसेस थोड़ा मैकेनिकल हो जाएगा, हमें सॉल्व करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे जैसे लूप्स बढ़ते जाएंगे हमारा बस काम बढ़ता जाएगा, लगाने वही लॉज है, ठीक है, बट जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, बहुत मैकेनिकल हो जाएगा, हमें सॉल्व करते जाना पड़ेगा बस, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, नाउ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वन, जिसमें और कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए।
इस तरह का सर्किट अब हमें दिया है। एक इधर है 5 वोल्ट्स की बैटरी, 5 ओम का रेजिस्टर, 15 ओम का रेजिस्टर, देन 10 ओम का रेजिस्टर, 10 वोल्ट की बैटरी। हमें बताना है व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, हम यहां कुछ पॉइंट्स मार्क कर दें सो दैट हम डायरेक्शन के साथ यहां बता सकें। मैं इस तरह से यहां पॉइंट्स मार्क कर देता हूं, ए बी सी डी। ठीक है, सर्किट क्लियर है। इस तरह का सर्किट है, दो बैटरीज है, 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। ठीक है, अब हमें कोई डायरेक्ट सिंपल तरीका यहां सॉल्व करने का नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। विल नीड टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉज, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, हमें काफी सारी इक्वेशंस लिखकर सॉल्व करना होगा। अल्टीमेटली हमें बताना है व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तीनों रजिस्टर में हमें करंट की वैल्यू बतानी है। ओके, सो द सर्किट माइट सीम सिंपल, दिखता तो फिर भी थोड़ा सिंपल ही है, बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें देखेंगे द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इट गोज अ बिट लॉन्ग, थोड़ा लेंदी जाता है, थोड़ा मैकेनिकल जाता है। और यहां बुरी बात यह है कि उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इट इज द ओनली मेथड, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ट्रिक हम यहां नहीं लगा सकते। ऐसा अगर सर्किट आता है, ऐसा अगर सर्किट सॉल्व करने को आता है, तो हमें उसे इसी तरह से सॉल्व करना ही पड़ता है। सर्किट सॉल्व करने की सबसे पहली स्टेप जो होगी, हम करंट्स की डायरेक्शन अज्यूम कर लें, करंट्स की कुछ वैल्यूज जो है कुछ वेरिएबल से उनको रिप्रेजेंट कर दें। नाउ अगेन थोड़ा सा लॉजिक लगा के करंट की डायरेक्शन अज्यूम कर ले हम, वो सही हो सकती है नहीं हो सकती है, ज्यादा दिमाग ना लगाए कि क्या होगी, सॉल्व होके क्या आएगी। जैसे मुझे जो ऑब्वियस लॉजिक दिखता है, बैटरी इधर की तरफ करंट फ्लो करवाना चाहेगी, मैं इधर I1 मान लेता हूं, मैं इधर I1 मान लेता हूं। ये बैटरी इधर की तरफ फ्लो करवाना चाहेगी, मैं इसको I2 मान लेता हूं। अभी I1 और I2 मिलेंगे तो नीचे जाएंगे, तो मैं इधर I3 मान लेता हूं। ठीक है, मैंने डायरेक्शंस ऐसी ली हैं, हर कोई ऐसी ले, जरूरी नहीं है, कहीं भी लो, चाहो तो I1, I2, I3 तीनों को ही इनकमिंग करंट बोल दो, चाहो तो I1, I2, I3 तीनों को ही आउटगोइंग करंट बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, चाहो तो ऐसा भी ले लो, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो, जो कि हम जानते हैं 3 पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, बट हम मान लें नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर अपने आप सही आएगा। ओके ओके, सो वी आर सेइंग डायरेक्शन कुछ भी मान ले हम, वी कैन अज्यूम द डायरेक्शन टू बी एनी, अपने आप सब कुछ सही आएगा। नाउ तीन करंट हमें फाइंड करने हैं, दैट मींस देयर आर 3 वेरिएबल्स, 3 वहां वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है मतलब हमें वहां 3 इक्वेशन चाहिएंगे। सबसे पहले मैं KCL अप्लाई करके सबसे पहली इक्वेशन, सबसे सिंपल इक्वेशन लिख दूं, KCL से मुझे मिलेगा I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3, ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाती है। मैंने इस जंक्शन पर बोल दूं या इस जंक्शन पर बोल दूं KCL लगाया, I1 प्लस I2 इक्वल्स I3, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, या इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट, किसी भी तरह से देखो फिर सेम इक्वेशन आएगी, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तीन इक्वेशंस थी, 3 वेरिएबल्स से 3 इक्वेशन चाहिए थी, पहली हो गई, दो और चाहिए, कहां से आएंगी, KVL से आएंगी, KVL लगा कर आएंगी दोनों इक्वेशन। ठीक है, जो बाकी दोनों इक्वेशंस है वो KVL लगा कर आएंगी,
अब हमें इस सर्किट में तीन लूप देखेंगे, वन टू थ्री। हमें दो ही इक्वेशन चाहिए तो कोई से भी दो लूप पर इक्वेशन लगा लो, तीनों पर लगाने का कोई फायदा नहीं, तीनों के लिए तीन इक्वेशन लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, दो इक्वेशंस मिलके ही तीसरी इक्वेशन बेसिकली वहां दे रही होंगी। हम जब देखेंगे, अगर हम चेक करेंगे, अगर हम तीनों लूप्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो अल्टीमेटली उनमें से दो इक्वेशन मिलके तीसरी इक्वेशन दे रही होंगी। सो इफ ओनली टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग केवीएल फॉर थ्री लूप्स। कोई से भी दो लूप चूज कर लो, उसके लिए केवीएल लिख दो। हाँ, I1 को कहा ना, अरे यार शिट, सॉरी वो माइनस नहीं है, वो वन डैश लिखा है मैंने, इट्स नॉट माइनस, वेरी सॉरी, वो I1 ही है, सॉरी इट्स नॉट माइनस, वो फर्स्ट इक्वेशन मैं लिखना चाह रहा था, द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। I1 प्लस I2 इक्वल्स I3। अब हम कोई से भी दो लूप चूज करके केवीएल लगा ले। मैं यहां से स्टार्ट करते हुए एक लूप लेता हूं, क्लॉकवाइज चलता हूं, केवीएल लिखता हूं, सेकेंड इक्वेशन, प्लस 5 माइनस 5 I1, ठीक है। फिर से हम चाहें तो एक बार V1, V2, V3 ऐसा लिख लें और नेक्स्ट स्टेप में फिर उसको V इक्वल टू IR कर दे, ओम्स लॉ लगा ले या डायरेक्टली लिख लें, प्लस 5 माइनस 5 I1, प्लस 5 माइनस 5 I1, माइनस 15 I3 इक्वल 0। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। तीसरी इक्वेशन चाहिए, कोई सा और लूप ले लो। सपोज मैं यहां से स्टार्ट करके और एंटी क्लॉकवाइज जाके ये वाला लूप ले लो, तो प्लस 10 माइनस 10 I2 माइनस 15 I3, प्लस 10 माइनस 10 I2 माइनस 15 I3 इक्वल्स 0। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, दे कैन डेफिनेटली बी सॉल्व। फिजिक्स का काम यहां पे खत्म हो गया, फिजिक्स यहां पे खत्म हो गई। इस जगह पर आके फिजिक्स खत्म हो गई, व्हाट रिमेन्स इज ओनली मैथ्स। सिर्फ हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर फाइंड करना है। नाउ सॉल्व करने की भी हम थोड़ी टेक्निक्स याद देखें, किस तरह से सॉल्व करना जनरली सिंपल रहता है। जो दो बड़ी इक्वेशंस हमें दिख रही हैं, ठीक है, ये केवीएल वाली इक्वेशंस जो दिख रही हैं हमें, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को हम दूसरी वाली इक्वेशन के वेरिएबल्स में ले आए, वो हमेशा सबसे सिंपल तरीका होता है। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें I1 और I3 दिख रहा है, इसमें I2 और I3 दिख रहा है, I3 दोनों में है, इसको रहने दें, इसको ना डिस्टर्ब करें, इसमें I1 इसमें I2 दिख रहा है, ट्राई टू ब्रिंग वन ऑफ द इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल एज द अदर। या तो इसको I1 में ले आओ या इसको I2 में ले आओ, ये सबसे आसान तरीका होता है। कैसे लाएंगे, इससे इधर से एलिमिनेट कर लेंगे। मैं थर्ड वाली को चेंज करता हूं, मैं I2 को I1 I3 माइनस I1 लिख लेता हूं, इसको चेंज कर लेता हूं, तो 10 माइनस 10 इंटू I3 माइनस I1 माइनस 15 I3 इक्वल 0। ब्रैकेट खोल के एक्सपैंड करके लिखेंगे तो माइनस 10 I3 माइनस 15 I3 और यहां से प्लस 10 I1,
प्लस 10 I1 माइनस 25 I3 इक्वल 0। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल लेता हूं। नाउ सॉल्विंग 2 and 4 इज वेरी सिंपल। 2 और 4 को सॉल्व करना बहुत सिंपल है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, 2 वेरिएबल में 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। कैसे सॉल्व हो जाएंगी? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे। 2 into equation 2 plus equation 4, अगर ये मैं करूं तो मुझे मिलेगा 10 minus 10 I1 माइनस 30 I3 इक्वल 0। ये इक्वेशन 10 plus 10 I1 माइनस 25 I3 इक्वल 0। ऐड कर दें, ये कैंसिल, 20 minus 55 I3 इक्वल 0। I3 की वैल्यू मुझे मिल गई 20/55 एम्पियर, दैट इज I3 इक्वल्स 4/11 एम्पियर। I3 की वैल्यू 4/11 एम्पियर हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा? थर्ड लूप की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं तो बनाते हैं, चलो थर्ड लूप की इक्वेशन बनाते हैं। यहीं से स्टार्ट करें और ऐसे जाएं, थर्ड लूप की इक्वेशन बनाते हैं। 5 minus 5 I1 प्लस 10 I2। अब हम करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, प्लस 10 I2। 5 minus 5 I1 प्लस 10 I2, बैटरी के भी प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो माइनस टेन इक्वल 0। ये मेरी तीसरे लूप की केवीएल बनेगी जो हम लिख सकते हैं। बट वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगर हमने ये लिख ली है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक टास्क बोलता हूं, यहां से अभी अभी हमने जो I2 को एलिमिनेट किया था उसकी जगह I3 को एलिमिनेट करके देखो, एंड यू विल सी दैट यू विल गेट द सेम इक्वेशन। जो अभी अभी हमने I2 को एलिमिनेट किया उसकी जगह पर I3 को एलिमिनेट करके देखो, यू विल गेट द सेम इक्वेशन, सेम इक्वेशन मिलेगी। देखो यहीं से दिखा देता हूं मैं, 2 minus 3 कर दो, यहीं पे दिखा देता हूं मैं, 2 minus 3 कर दो, वही में आ जाएगी, यही इक्वेशन आ जाएगी। 2 minus 3 करो, सेम इक्वेशन आ जाएगी। 5 minus 5 I1 5 minus 5 I1 minus 10 plus 10 I2 minus 10 plus 10 I2, ये दोनों कैंसिल, वही इक्वेशन आ गई। सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस थर्ड इक्वेशन। भाई 2 लीनियर इक्वेशन से एक और नई लीनियर इक्वेशन बना देना, इट इज नेवर यूजफुल, उसका कभी कोई यूज नहीं होगा इक्वेशन सॉल्विंग में। 2 लीनियर इक्वेशन से एक और तीसरी लीनियर इक्वेशन बना देना, इट इज नेवर यूजफुल इन सॉल्विंग द इक्वेशंस। उसको इक्वेशन सॉल्व करने में उसका कोई यूज ही नहीं होगा, कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन आई ये बेसिकली इन्हीं दोनों से आ गई, तो इसका कोई यूज नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने में, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ये नहीं लिखी, अगर ये सोचते हो, अगर ये सोचते हो कि मैं KCL ना लिखूं और KVL की 3 इक्वेशन लिख लूं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर ये सोचते हो कि KCL ना लिखें और KVL की 3 इक्वेशन लिख लें और तीनों वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लें, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना।
कुछ नया मिलेगा ही नहीं उससे। करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, बिना केसीएल अप्लाई किए केवीएल की तीन इक्वेशन लिख के सॉल्व करके देखना, नहीं होगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना, एलिमिनेट ही नहीं होगा। केसीएल हमेशा यूज करना पड़ेगा, केसीएल को हमेशा यूज करना ही पड़ेगा, केवीएल उतनी ही बार लगाओ जितनी रिक्वायरमेंट बचती है, केसीएल यूज करना ही पड़ेगा, केवीएल उतनी ही बार लगाओ जितनी बार रिक्वायरमेंट बचती है, दिस इज द फाइनल वर्डिक्ट। केसीएल लगाना ही पड़ेगा, केवीएल सिर्फ उतने लिखो जितनी जरूरत बचती है, ठीक है ना। मैंने उसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन तुम्हें बता दिया, अगर तीन वेरिएबल हैं और तुम सोचते हो कि दो इक्वेशन से मैं एक और इक्वेशन बना लूं, फिर तो मुझे तीन इक्वेशन मिल गई और उन्हें सॉल्व कर लूं, तो ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, इससे कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, और केवीएल में यही हो जाता है, केवीएल में यही चीज हो जाती है, इसीलिए यहां कोई यूज नहीं बचेगा। केसीएल हर जगह यूज करो, जो भी रिक्वायरमेंट बचती है उतने केवीएल की इक्वेशन लिखो, ये यही तरीका होगा सॉल्व करने का, ठीक है। नाउ i3 आ गया, कोई सी भी एक इक्वेशन चूज कर लो, उसमें से बाकी वेरिएबल बाकी वैल्यूज निकालते जाओ। मैं ये ले लेता हूं 5 - 5y1 - 15 × 4/11 इक्वल 0, 5 - 5y1 - 60/11 इक्वल 0, -5y1 -5y1 - 5/11 इक्वल 0, देखो आ गया i1 इक्वल टू -1/11 एम्पियर, जो इतनी देर से हम बात कर रहे थे। अगर हमने डायरेक्शन गलत ली है, साइन अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर हमने डायरेक्शन गलत ले ली है, डजंट मैटर, अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, आंसर फिर भी वही रहेगा। दैट मींस व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस आंसर, करंट की वैल्यू तो 5 ओम वाले रजिस्टर में 1/11 एम्पियर ही है, बट जो डायरेक्शन हमने ए टू बी मानी थी वो गलत है, एक्चुअल डायरेक्शन बी टू ए होगी। दैट मींस करंट इन 5 ओम रजिस्टर इज फ्रॉम बी टू ए एंड 1/11 एम्पियर, उसकी वैल्यू जो है वो 1/11 एम्पियर ही है, पर डायरेक्शन हमने गलत ले लिया। So, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा जाए तब तो फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस है चाहे माइनस है, डायरेक्शन भी अगर पूछी जाए तो फिर माइनस का सिग्निफिकेंस होगा, माइनस जो है वो ये बताएगा कि हमने गलत मानी है, एक्चुअल डायरेक्शन उसके, ठीक है। i1 आ गया, यहां से i2 निकाल ले हम, i2 विल बी 4/11 -1/11 5/11 एम्पियर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, सारी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जो वैल्यू है वो ही रखेंगे, माइनस आई है तो माइनस ही रखेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है। इक्वेशन सॉल्व करते वक्त तो मैथमेटिकली जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, उसके इंटरप्रिटेशन हम अलग तरह से बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इस इलस्ट्रेशन को। केवीएल केसीएल के रूल्स ध्यान रखें, कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को हमेशा पेशेंटली सॉल्व करें, दिस इज द ओनली की टू सॉल्विंग सच सर्किट्स। धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे का मतलब ये नहीं कि धीरे धीरे लिख रहे हैं, पेशेंटली कामली, ऐसा ना सोचे जल्दी से कुछ ट्रिक लगा के सॉल्व करके आंसर दे दूंगा, नहीं हो पाएगा,
ठीक है, नहीं हो पाएगा, कोई ट्रिक नहीं लगती, कोई शॉर्टकट नहीं लगता। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज केवीएल केसीएल। इस तरह से केवीएल केसीएल को यूज किया जाता है। इस पर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस करो, ठीक है, कोई भी एक बुक लेकर बुक पिकअप क्वेश्चन सॉल्व करो, या इनफैक्ट एक लेक्चर के लिए और रुके हम केवीएल केसीएल के लिए, केवीएल केसीएल के कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस देखेंगे। इनफैक्ट जैसे हम कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसी तरह से यहां पर रेजिस्टर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, विच आर नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ केवीएल केसीएल, जिसमें हर बार केवीएल केसीएल ना लगाकर हम कुछ रिजल्ट्स निकाल लेंगे और फिर उन रिजल्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हर बार केवीएल केसीएल अप्लाई करना वो थोड़ा लेंदी होगा, सो रादर देन दैट वी गेट सम जनरलाइज रिजल्ट्स, और वहां वो जनरलाइज रिजल्ट्स फिर हम हर जगह लगाएंगे। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे, और फिर उसी पर हम क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग तरह के नेटवर्क्स, अलग अलग तरह के सेटअप देखेंगे, उसी पर प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग नेटवर्क्स, उसके बाद सर्किट्स, नेटवर्क सॉल्व करना, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आज हम यहीं पर रुकते हैं लेक्चर को। ठीक है, यस, दिस चैप्टर विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम तो लगेगा इस चैप्टर को एंड होने में, मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 लेक्चर्स मोर। फाइव टू सिक्स डेज, यस, मोस्ट प्रोबेबली 5 to 6 days मोर। ठीक है ना, बिकॉज द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो जितने यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर पर प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है, उतनी इंपॉर्टेंट है। वो वेटेज ज्यादा है चैप्टर का, एटलीस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है ना, और इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम्स में भी, स्कूल एग्जाम्स में भी, प्रैक्टिकल्स में वेटेज है चैप्टर का, सो वी नीड टू गिव इट टाइम। ठीक है ना, फाइन, सो आज हम यही एंड करते हैं।